हेलो, स्वागत है आपका फ्रेंड जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से कवर करेंगे फ्रेंच ओपन 2022 से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में भी समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, राफेल नडाल ने जीता है। ये स्पेन कंट्री से हैं। देखिए हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे ये जो चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं, महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता, ये किस क्रम में खेली जाती हैं? तो देखिए चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पर विंबलडन और चौथे नंबर पर यूएस ओपन खेला जाता है। ये इसी क्रम में खेले जाते हैं। कौन से मंथ में खेले जाते हैं हम ये लास्ट में कवर करने वाले हैं। देखिए इन सबको मेजर भी कहते हैं और ये चारों महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता हैं। देखिए कौन से सन से शुरू किया गया है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ था 1905 से, फ्रेंच ओपन 1891 से, उसके बाद तीसरे नंबर का विंबलडन ये 1877 से, और चौथे नंबर का है यूएस ओपन ये 1881 से शुरू किया गया है। ठीक है, सारे सन आप जरूर याद रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट कवर करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। मतलब जो पहले नंबर का है ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो चौथे नंबर का है, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, और जबकि जो फ्रेंच ओपन है दूसरे नंबर का, ये मिट्टी पर खेला जाता है, लाल बजरी पर खेला जाता है, क्ले पर खेला जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको तरह तरह के नाम सुनने के लिए मिलेंगे। और जो तीसरे नंबर का है विंबलडन, ये घास पर खेला जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम के लिए कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये किस मैदान पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी पर खेला जाता है, और तीसरे नंबर का घास वाला जो घास पर खेला जाता है विंबलडन, और जो चौथे नंबर का है ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला पॉइंट है, लाल बजरी का बादशाह किसका उपनाम है? यह राफेल नडाल का उपनाम है। इस नाम से भी इन्हें जानते हैं। क्यों? क्योंकि 14वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। याद रखिएगा कितनी बार, 14वीं बार। कौन कौन से सन में किया है ये भी हम कवर करेंगे लास्ट में। तो ये फाइनल में इनका मुकाबला किसके साथ हुआ था, नडाल का, नॉर्वे के कैस्पर रूड के साथ हुआ था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि उप विजेता कौन है इसमें, फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल में उप विजेता कौन रहे हैं, कैस्पर रूड रहे। देखिए यहाँ पर जो नडाल है ये गुरु हैं किसके, कैस्पर रूड के। ये शिक्षा लेते हैं इनके एकेडमी में, तो ये जो गुरु है यही इनको ट्रेन कर रहे थे, और फाइनल में इनका मुकाबला भी अपने जो स्टूडेंट हैं इनके साथ ही इनका मुकाबला हुआ था। अगला सवाल है, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है, क्या नाम है इनका? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, ईगा स्वियातेक, पोलैंड कंट्री से हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। उप विजेता कौन रही हैं इसमें, कोको गॉफ। कोको गॉफ को हराकर ईगा स्वियातेक ने जीता महिला एकल का खिताब। अगला सवाल है, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है? बेंस डबल, इसका खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर क्या होगा, देखिए सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ई वाला, ए और डी, क्या नाम है इनके, मार्शेलो अरेवालो, और दूसरे का नाम है जिन जूलियन रोजर, नीदरलैंड कंट्री से हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष डबल का खिताब जीता है। इनके नाम आप दो तीन बार रिपीट करेंगे तो आपको याद रहेंगे। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है, मार्शेलो अरेवालो, और इनके साथ और कौन थे, जिन जूलियन रोजर, नीदरलैंड कंट्री से हैं। अगला सवाल है, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? सही उत्तर हो गया यहाँ पर ऑप्शन ई वाला, सी और डी, क्रिस्टीना मेलेडोनोविच और कैरोलिन गार्सिया, दोनों फ्रांस कंट्री से हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। अगर सवाल पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन कहाँ पर खेला गया है, पेरिस में खेला गया है और वहीं खेला जाता है। अगला सवाल होगा, फ्रेंच ओपन 2022 में मिक्स डबल का खिताब किसने जीता? यहाँ पर एक मैन रहते हैं और एक वुमैन रहती हैं, दोनों मिलकर के खेलते हैं, तो इसी को हम मिक्स डबल कहते हैं। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसमें से, ऑप्शन ई वाला सही है, बी और सी,
एना शिबहारा जो जापान से हैं और वेस्ले कुलहाफ नीदरलैंड से हैं। इन दोनों ने फ्रेंच ओपन 2022 में मिक्स डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। देखिए, जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, मई के अंत से जून के शुरुआत तक फ्रेंच ओपन खेला जाता है, जून के अंत से जुलाई की शुरुआत में विंबलडन खेला जाता है और अगस्त सितंबर में यूएस ओपन खेला जाता है। एक और बार ध्यान से देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले, लाल मिट्टी या फिर बजरी कह सकते हैं, या मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। विंबलडन किस पे खेला जाता है? ग्रास, घास पर खेला जाता है, याद रखिएगा। राफेल नडाल के ऊपर हम यहाँ पर और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में सन 2009 और 22 में जीत हासिल की है, फ्रेंच ओपन में 2005, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, इन सारी ईयर्स में इन्होंने फ्रेंच ओपन में जीत हासिल की है। विंबलडन में इन्होंने सन 2008 और 10 में जीत हासिल की है और अमेरिकी ओपन, जिसे हम यूएस ओपन कहते हैं, इसमें सन 2010, 13, 17, 19 में जीत हासिल की है। ये सब याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अभी तक वो दो बार जीत चुके हैं, फ्रेंच ओपन में अभी तक वो 14 बार जीत चुके हैं, विंबलडन में वह दो बार और अमेरिकी ओपन में ये चार बार जीत चुके हैं। देखा जाए तो टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, ये अभी तक 22 जीत चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन में जीता है इन्होंने 14 बार। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे सारे हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।